गाइस अगर मैं आपसे कहूं कि इस OB40 अपडेट के बाद आप अपनी खुद की फोटो, खुद की प्रोफाइल पिक्चर, ये जो अवतार, ये जो प्रोफाइल होता है, यहाँ लगा सकते हो, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। और इसी के साथ साथ इस अपडेट में हमारे ग्लूवल के अंदर एक ऐसा मिस्टीरियस अपडेट आया है जिसके वजह से ग्लूवल जो है वो जमीन में नहीं बल्कि हवे में लग रहा है। लेकिन क्यों और कैसे, इस सवाल का जवाब और हमारे फ्री फायर के OB40 अपडेट आने के बाद गेम में हुए 5 सबसे मिस्टीरियस चेंजेस के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली, इस वीडियो के अंदर जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले यार वीडियो में एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं मिस्टीरियस अपडेट नंबर 5 की तरफ। तो गाइस नंबर 5 पे जो अपडेट आता है, ये अपडेट है भाई हमारे वी बैज यूट्यूबर्स, वी बैज प्लेयर्स के लिए जिनके पास वी बैज है। तो गाइस अपडेट से पहले जब वी बैज प्लेयर्स यहाँ पे लॉबी में खड़े होते थे तो भाई ये जो वी बैज है वो उनके नाम के पहले दिखाता था। जैसा कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि पहले के टाइम पे ये जो वी बैज है वो नाम के जस्ट पहले दिखाता था। बट गाइस इस OB40 अपडेट के बाद ये जो वी बैज है इसको पूरा बाहर फेंक दिया गया, मतलब लात मार के निकाल दिया गया है। मजाक कर रहा हूँ बट हाँ मान सकते हो कि कुछ ऐसा ही हुआ। तो गाइस अपडेट के बाद ये जो वी बैज है ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, मतलब जो वी बैज प्लेयर्स का नेम होता है, जो यूट्यूबर्स का नेम होता है, तो इसका जो स्क्वायर टाइप का एक सेक्शन होता है इसके अंदर वी बैज होता था पहले, लेकिन अभी के टाइम पे अपडेट के बाद इस वी बैज को बाहर रख दिया गया है। अपडेट के बाद ये जो वी बैज है वो नेम के पहले नहीं बल्कि नेम के पूरे सेक्शन के बाहर दिख रहा है, कुछ इस तरह का जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो। तो भाई इस अपडेट के बारे में आपको पता था या नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिस्टीरियस अपडेट नंबर 4। तो गाइस नंबर 4 पे जो अपडेट निकल के आता है, ये अपडेट है हमारे गेम के प्रोफाइल सेक्शन में एक बहुत बड़े चेंज को लेकर। और वो चेंज ये है कि अपडेट के बाद हमारे प्रोफाइल सेक्शन में एक न्यू ऑप्शन ऐड हो गया वेपन करके, और इस ऑप्शन की मदद से आप किसी का भी, खुद का भी और किसी का भी जो है, मतलब यहाँ पे गन स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो कि वो जो बंदा है वो सबसे बेस्ट गन कौन सा चलाता है। जैसा कि मैं आपको खुद की आईडी में दिखा देता हूँ कि मेरा जो सबसे ज्यादा स्कोर है सीएस में, हाँ यहाँ बीआर और सीएस दोनों का स्कोर दिखाता है कि दोनों में आप सबसे बेस्ट गन कौन सा चलाते हो। तो मैं आपको यहाँ पे सीएस का दिखा दे रहा हूँ। तो भाई आप लोग देख सकते हो मेरा यहाँ पे सीएस में सबसे ज्यादा स्कोर यहाँ पे यूएमपी गन का है, जिसका मतलब यह है कि मैं सबसे ज्यादा बेस्ट जो है वो यूएमपी गन चलाता हूँ। सबसे ज्यादा मैंने किल्स यूएमपी गन से किए हैं और इसीलिए यूएमपी गन का सबसे ज्यादा स्कोर है, और इसीलिए ये गन जो है बिल्कुल टॉप पे है। और यूएमपी के बाद सबसे ज्यादा स्कोर है यहाँ पे M500 का और फिर बाकी गन्स आते हैं। तो ऐसे ही आप किसी का भी या खुद का भी यहाँ पे पता कर सकते हो इस ऑप्शन की मदद से कि भाई वो जो है या आप जो है सबसे बेस्ट गन कौन सा चलाते हो। सबसे ज्यादा स्कोर जिस गन का होगा वही गन आप सबसे ज्यादा बेस्ट चलाते हो। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिस्टीरियस अपडेट नंबर 3। तो गाइस नंबर 3 पे जो अपडेट निकल गया था, ये अपडेट हमारे ग्लूवॉल को लेकर। गाइस ग्लूवॉल जो है अभी के टाइम पे भाई, मतलब आप लोग जमीन पे ग्लूवॉल लगा रहे हो और वो जो ग्लूवॉल है वो ऊपर, मतलब आसमान में लग रहा है, आपके सर के ऊपर लग रहा है। काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया, काफी सारे लोगों ने यहाँ पे इंस्टाग्राम पे डीएम किया कि भाई ये जो ग्लूवॉल है वो यहाँ पे मतलब जमीन के जगह आसमान में यहाँ पे सर के ऊपर लग रहा है। तो फिर मैंने चेक किया, लेकिन मैक्सिमम टाइम तो नहीं, बट हाँ ये चीज हो रही है कि आप जब ग्लूवॉल लगा रहे हो तो भाई मतलब कभी कभी क्या, मतलब 50% वो जो है मतलब ग्लूवॉल आपके सर के ऊपर लग रही है। अब भाई ये कैसे हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है ऐसा। तो गाइस इसका जवाब ये है कि अपडेट के बाद यहाँ पे जो ग्लूवॉल है, मतलब इसमें कुछ इस तरह का चेंजेस किया गरेना वालों ने कि भाई जब आप किसी बंदे के कैरेक्टर के पास या मतलब उस पर टच करके ग्लूवॉल लगाओगे तो भाई ग्लूवॉल लगेगी ही नहीं, मतलब ग्लूवॉल उसके आगे लगेगी या पीछे लगेगी, ग्लूवॉल उसको टच करेगा ही नहीं, मतलब ग्लूवॉल आगे लग जाएगा, पीछे लग जाएगा, इधर लग जाएगा, उधर लग जाएगा। लेकिन भाई मतलब वो जो ग्लूवॉल है वो बंदे के बॉडी को, बंदे को मतलब फंसा नहीं सकता है, बंदे के बॉडी से मतलब आर पार होके नहीं लगेगा, वो आगे पीछे लगेगा। और इसी वजह से जब शॉर्ट रेंज में यहाँ पे एनिमी से भिड़ते हो तो भाई फायर करके जब ग्लूवॉल लगाते हो और जब आपके एनिमी आसपास होता है तो भाई एनिमी का बॉडी पे टच होकर जो ग्लूवॉल है वो भाई नीचे नहीं लगती है, वो ऊपर लग जाती है। क्योंकि भाई जो अपडेट है वो यही है कि भाई मतलब आप जो है कैरेक्टर के बॉडी पे आपसे है जो ग्लूवॉल नहीं लगेगा, चाहे उसके आगे लगेगा पीछे लगेगा, ये बात मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, अगेन बोल रहा हूँ कि आगे पीछे लग जाएगा लेकिन उसके बॉडी पे नहीं लगेगा। और इसीलिए जब शॉर्ट रेंज की फाइट कर रहे होते हो, 3-4 एनिमीज आप पे घुस रहे होते हो, या मान लो एक ही दो एनिमीज है तो आप 360 मार रहे होते हो या ग्लूवॉल से बैक कर रहे होते हो, तो जब एनिमी आप पे घुसते हैं तो भाई उनपे ग्लूवॉल लगने की जगह जो ग्लूवॉल है वो सर के ऊपर मतलब लग जाता है। तो भाई यही अपडेट है कि ग्लूवॉल में है जो कुछ इस तरह का चेंजेस किया गया है। अब वो क्या किया गया आगे पीछे मैंने आपको बता दिया है तो समझ जाना। मिस्टीरियस अपडेट नंबर 2। तो गाइस नंबर 2 पे जो अपडेट निकल गया था ये भी ग्लूवॉल से रिलेटेड ही है, और ये अपडेट है हमारे ग्लूवॉल को लगाने की स्टाइल को लेकर। भाई हम लोग सालों से ग्लूवॉल लगाते आ रहे हैं और ग्लूवॉल का जो स्टाइल था लगाने का वो सेम था, बट भाई फाइनली इस वाले OB40 अपडेट में इस जो ग्लूवॉल लगाने का स्टाइल है उसको चेंज कर दिया गया है। पहले के टाइम पे जो ग्लूवॉल लगाने का स्टाइल था वो अलग था, बट भाई फाइनली जो अपडेट के बाद है ये ग्लूवॉल का लगाने का जो स्टाइल है वो कुछ इस तरह का है, जैसा कि आप देख सकते हो, मतलब ये पीछे की तरफ से, कमर की तरफ से, मतलब कोई साइड पॉकेट, पीछे पिछवाड़े पे पॉकेट से भाई ग्लूवॉल निकालता है और फिर लगाता है, मतलब पीछे से निकालता है लगाता है, मतलब थोड़ा बढ़िया स्टाइल है, अच्छा लगा मुझे, तो इसीलिए मैंने आपको बताने का सोचा। आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा
तो भाई यही है कि ग्लूवल लगाने का जो स्टाइल है वो इस वाले अपडेट में पूरा चेंज हो चुका है। मिस्टीरियस अपडेट नंबर वन। तो गाइस नंबर वन पे जो बहुत ही भयानक यूनिक मतलब बहुत ही अलग अपडेट ये निकल के आ रहा है कि भाई आप लोग अपने फ्री फायर का जो अवतार होता है, जो अवतार या अवतार बोलते हैं, उसके जगह आप लोग अपना प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हो, अपना खुद का फोटो लगा सकते हो। जी हाँ गाइस, मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पे वीडियो को एंड तक इसीलिए देख रहे हो कि ये पता चले आपको कि भाई आप लोग ये कर कैसे सकते हो, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि फ्री फायर गेम के अंदर आप लोग अपना फोटो एज ए डीपी मतलब लगा सकते हो, डीपी बोलोगे या प्रोफाइल पिक्चर बोलो जो भी बोलो। लेकिन भाई मतलब सुनने में काफी ज्यादा शॉकिंग लग रहा है कि फ्री फायर में कुछ ऐसा होने वाला है कि आप लोग अपना पिक्चर फोटो लगा सकते हो। तो भाई अब ये कैसे हो रहा है ये बताने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज ये बता दूं कि ये जो चीज है ये अभी के टाइम पे टेस्टिंग पे चल रही है। ये चीज अभी के टाइम पे इंडियन सर्वर और बाकी के जितने भी सर्वर्स हैं उनमें नहीं आया। ये चीज अभी सिर्फ एक ही सर्वर है भाई, मतलब उसको टेस्टिंग किया जा रहा, टेस्ट किया जा रहा उसका, और वो सर्वर है सिंगापुर सर्वर। अभी के टाइम पे ये जो चीज है ये सिंगापुर सर्वर में वर्क कर रही है। अब ये वर्क कैसे कर रहा है चलो मैं आपको बताता हूं। तो भाई फ्री फायर का जो अकाउंट है वो आप तीन तरीके से बना सकते हो। एक होता है ट्विटर अकाउंट से बना सकते हो, एक एफबी फेसबुक अकाउंट से बना सकते हो, और एक होता है जीमेल अकाउंट से बना सकते हो। तो भाई इन तीनों ही का जो आपका ऑफिशियल अकाउंट है और उनमें जो डीपी है वही डीपी गेम में शो करेगा। मतलब मान लो कि आपका जो फेसबुक का प्रोफाइल पिक्चर है, आपने भाई किसी का भी फोटो लगाया हो, चाहे जॉनी का लगाया हो, मिया का लगाया हो, मतलब जिसका भी यहाँ पे डीपी लगाया हुआ है या खुद का भी लगाया हो, तो भाई जिसका भी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर लगाया है वही पिक्चर आपका जो मतलब एवेटार में जो प्रोफाइल आपका फ्री फायर जो प्रोफाइल है वो शो करेगा। आपकी जो जीमेल आईडी है उसमें जो प्रोफाइल पिक्चर है, आपकी जो ट्विटर आईडी है उसमें जो प्रोफाइल पिक्चर है, वही प्रोफाइल पिक्चर जो है मतलब यहाँ पे आपके फ्री फायर आईडी में यहाँ पे शो होगा। लेकिन अभी के टाइम पे इसकी टेस्टिंग चल रही है तो होपफुली भाई ये चीज जल्दी ठीक हो जाए, मतलब ये जो टेस्टिंग है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए, और हो सकता है कि OB41 या OB42 अपडेट में हम लोग ये वाला फीचर जो है गेम में देखने को मिलने वाला है कि हमारा जो FB पे, ट्विटर पे या जीमेल पे जो मतलब फोटो है वो भाई गेम में दिखेगा। तो चलिए गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और इन सभी मिस्टीरियस अपडेट्स में से आपको सबसे बेस्ट अपडेट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।